दमोह जिले के पथरिया में स्थित बिरागोदय तीर्थ धर्मधाम में विराजित बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के संगस्त 25 साधु विराजमान हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आचार्य संघ का चातुर्मास कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर ध्वजारोहण करने द्वारा स्थापित किया गया। वहीं पूज्य गुरुदेव को 23 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति युवा संगठन द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव को आज प्रतिनिधि मंडल ने उपस्थित होकर के भारत सरकार की ओर से आचार्य विराग सागर जी महाराज को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री जयंत बलिया, विधायक रामबाई सिंह परिहार, लखन पटेल सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। चरणों में नमन करता हूँ सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को, मेरा सादर जय जनेंद्र। ये निश्चित तौर से पथरिया के लिए बड़ी बात है कि यहाँ पर विराग सागर जी महाराज सत्संग यहाँ पर अपना चौमासा करने जा रहे हैं और अगले आने वाले माह में यहाँ पर जो यहाँ पर पंचकल्याणक बड़ा उत्सव होने वाला है उसका कलशारोहण भी हो रहा है। आज निश्चित तौर से हम सभी लोग बहुत अच्छा महसूस करते जब लगता है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे महाराज के जो डीड्स हैं, जो कर्म हैं, जो उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा दी है उसको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है और उन्हें इस बात के लिए सम्मानित भी किया गया है। और हम सभी इस बात से गौरवान्वित हैं कि इस अवसर के ऊपर हमें ये मौका मिला कि हम उनके लिए ये भेंट कर सकें। पुनः आप सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुंडलपुर में जो हुआ है वैसा ही और उससे और बेहतर पथरिया में हो, ऐसे में प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद। पथरिया का गौरव है कि आज हमारे पथरिया विधानसभा में चतुर्मास कर रहे हमारे आचार्य श्री विरागोदय महाराज जी नगर गौरव, और ये तो हमारे हिसाब से पूरे नगर गौरव नहीं, पूरे पथरिया विधानसभा की गौरव की बात है और पूरे भारत के गौरव की बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन उनके दर्शन और उनके चरणों में नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि पूरी पथरिया विधानसभा और पूरे भारत की जनता पर उनकी आशीष और कृपा बनी रहे, यही कामना करती हूँ सदा कि सबके हृदय में एक ही विचार हो, बहुत अच्छे मार्ग पर चलें, नेकी पर चलें, न्याय पर चलें, नीति पर चलें, सच्चे मार्ग पर चलें, जैसे हमारे गुरु जी के आदेश हैं कि ऐसे कोई काम ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े, यही मैं कामना सबसे करती हूँ कि गुरु जी के विचारों पर चलें।